हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ईसीएम में। आज हम जानेंगे कि जो रजिस्टर होता है उसको कैसे चेक किया जाता है, उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, मल्टीमीटर से वो ख़राब होता है, किस रीज़न से ख़राब हो जाता है, उसको चेक करा जाता है, उसके अंदर नंबर रहता है। रजिस्टर जो है हमारे कंपोनेंट जो ईसीएम के अंदर या बीसीएम के अंदर या ईपीएस के अंदर रजिस्टर रहता है, वो एसएमडी या चिप रजिस्टर रहता है, ठीक है। उस पर कुछ नंबर दिए रहते हैं, किसी किसी में नंबर नहीं भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर नंबर लिखा रहता है। तो वो नंबर क्या रहता है, वो नंबर कैसे चेक करना है, तो एक ऐप आता है एसएमडी रजिस्टर करके, एसएमडी कैलकुलेटर करके, तो कई ऐप आते हैं। प्ले स्टोर में डालने पे हमारे को दिख जाएगा कि वो उस पर क्या नंबर लिखा हुआ, कैसे चेक करेंगे। पहले जो रजिस्टर आते तो कलर कोड के भी आते थे, तो कलर कोड के अभी भी आते रजिस्टर तो, लेकिन हमारे जो डिवाइस आते हैं गाड़ी के अंदर, जो ईसीएम बीसीएम, उसमें इस तरीके का कोई कलर कोड वाला नहीं रहता, सब एसएमडी चिप रजिस्टर रहता है या फिर नेटवर्क रजिस्टर रहता है। नेटवर्क रजिस्टर जो साथ में तीन चार 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 रजिस्टर का एक बना रहता है, वो नेटवर्क रजिस्टर होता है। थर्मिस्टर रजिस्टर आता है, थर्मिस्टर रजिस्टर में एलडीआर रजिस्टर भी आता है, जो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, कम ज़्यादा उसके हिसाब से रजिस्टर काम करते हैं। इस तरीके से करंट सेंसिंग रजिस्टर आता है, इस तरीके से बहुत सारे रजिस्टर आते हैं, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट में यूज़ होते हैं अलग अलग डिवाइस यूनिट में। लेकिन हमारे को जो ईसीएम में ज़्यादातर यूज़ होता है या फिर बीसीएम में या ईपीएस में, तो ये अपना चिप रजिस्टर एसएमडी रजिस्टर यूज़ होता है या फिर नेटवर्क रजिस्टर यूज़ होता है, करंट सेंसिंग रजिस्टर भी यूज़ होता है। हम आज दो रजिस्टर के बारे में देखते हैं, उसकी टेस्टिंग के बारे में कि कैसे क्या होगा, एसएमडी रजिस्टर और चिप रजिस्टर। और फ्यूजेबल रजिस्टर भी आता है, जो फ्यूज़ टाइप का रहता है, लेकिन वो रजिस्टर ही रहता है एक तरीके का, उस पर 00 लिखा रहता है, किसी किसी पे 0 नहीं भी लिखा रहता है, लेकिन फ्यूजेबल रजिस्टर होता है, मतलब उसको हम कंटिन्यूटी मोड पे रख के चेक करते हैं, तो कंटिन्यूटी मोड पे चेक करने पे वो बजर पे बीप करता तो वो फ्यूजेबल रजिस्टर होता है। या फिर जो रजिस्टर 50-60 ओम्स से कम रहेगा ना, तो वो बीप करता है। तो वो सारा कुछ हम चेक करेंगे आगे, कैसे चल के उसको बताएंगे कि आपको कैसे उसका कलर, उसका जो नंबर रहता है, उसके नंबर के हिसाब से कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर या फिर प्ले स्टोर के अंदर भी ऐप आते, बहुत सारे ऐप हैं जो फ्री है, हम उसको निकाल के उसको चेक कर सकते हैं कि नहीं, ये इसका नंबर डालेंगे, उसके बाद वो बता देगा कि ये कितने ओम्स का है या किलो ओम्स का या मेगा ओम्स का है। ये जैसे कि ओम्स जो होता है, 1000 ओम तक ओम्स रहता है, उसके बाद 1000 जहाँ ओम हो जाता है, 1000 ओम को 1 किलो ओम्स बोलते हैं, 1 किलो ओम्स के बाद 1000 किलो ओम्स को 1 मेगा ओम्स बोलते हैं। इसी तरीके से मल्टीमीटर में रहता है, तो हम आगे चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि ये आगे इसकी टेस्टिंग क्या है, ठीक है। हम इसको चलते हैं कंप्यूटर पे, आप लोगों को बताते हैं कि कंप्यूटर पे कैसे चेक करते हैं, हम ड्रॉ करके आपको बताते हैं। ये हमने खोला है, तो ये अपना एक रजिस्टर हमने ड्रॉ करा है, समझ लीजिए कि इस तरीके का एक रजिस्टर है ये, इसको जूम करके दिखाइए, ये एक रजिस्टर मान लीजिए, ये रजिस्टर को आप देखिए, इस तरीके का ये सरफेस माउंट डिवाइस रजिस्टर है, चिप रजिस्टर, तो ये इस तरीके से मदरबोर्ड पे लगा हुआ है, इस पर नंबर भी लिखा हुआ है, हम बात करेंगे उसके आगे। पहले हम ये जो कंप्यूटर पर ड्रॉ किया है, इस तरीके से समझ लीजिए कि रजिस्टर बना हुआ है। तो रजिस्टर में एक तो ये पार्ट है जो सिल्वर, और एक जो है ब्लैक बॉडी है, मतलब ये कि अपना ये चीज़ है, ये देखें, ये किनारे किनारे जो हिस्सा है वो सिल्वर लाइन है, और ये बीच में जो है वो ब्लैक बॉडी है, ऐसा होता है इसके अंदर रजिस्टर के अंदर। इस तरीके से हम रजिस्टर रहता है, और इस पर कुछ नंबर लिखा रहता है, जैसे अब ये इस पर लिखा हुआ है, मान लीजिए 1002, मान लीजिए इस पर लिखा है 1002, ये 1002 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसी तरीके का रहता है रजिस्टर अपना, और इसका सिंबल भी इस तरीके से देखिए, सर्किट के अंदर जो सिंबल दिए रहते हैं इस तरीके से दिया रहता है, या फिर इस तरीके से दिया रहता है, या और भी एक दो है जो सिंबल इसके हैं, तो अपना तो ज़्यादातर यही रहता है, इलेक्ट्रिकल में रहता है ये। जैसे अभी हम क्रोम पे चलते हैं, एक बार चेक करते हैं कि इस तरीके से हमने खोल रखा है, एक बार रजिस्टर चेक करते हैं,
इसी टाइप के रजिस्टर आते थे पुराने पहले। हाँ, ये चीज़ें जो हमारी चिपकी हैं, तो देखिए इसमें इस तरीके से इसका सिंबल रहता है। और अपने ईसीएम में जो दो तीन टाइप के रजिस्टर यूज होते हैं, जैसे एसएमडी चिप रजिस्टर, नेटवर्क रजिस्टर। नेटवर्क रजिस्टर तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, नेटवर्क रजिस्टर का मतलब इस तरीके का रजिस्टर रहता है। ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये रजिस्टर है वो नेटवर्क रजिस्टर है। इस तरीके के रजिस्टर को नेटवर्क रजिस्टर बोलते हैं, जो एक साथ 3, 4, 5 ऐसे में रहता है। तो 3, 4, 4 रहता है। तो ये इसका लगाने का मकसद ये है कि देखिए बहुत सारी जगह को कवर कर लेता है, एक ही साथ 4 लग गया समझ लीजिए, नहीं तो अलग अलग लगाना पड़ता है। इस तरीके से इतने हिस्से में कितना कवर हो गया, तो इसलिए जगह मदरबोर्ड की स्पेस को कम करने के लिए इस तरीके के रजिस्टर को लगाया जाता है। इसको नेटवर्क रजिस्टर बोलते हैं। इसको भी चेक करेंगे, इस पर नंबर लिखा है, देखिए इसको जूम करेंगे तो इस पर क्या नंबर है, 1502। इसको भी हम चेक करेंगे। इसको चेक करने का क्या तरीका होता है, मैनुअल क्या तरीका है, या फिर प्ले स्टोर के अंदर ऐप आता है, उस ऐप से कैसे चेक करेंगे, उसका क्या तरीका है, वो भी बताएंगे आप लोगों को। एक मिनट। तो ये नेटवर्क रजिस्टर होता है, और आर मतलब ओम में जो आर रहेगा सिंबल इसका, तो ओम का रहेगा, और के रहेगा तो किलो ओम्स रहेगा, और एम रहेगा तो मेगा ओम्स रहेगा। तो मेगा ओम्स तक के हमारे ओम्स रहते हैं। इसके ऊपर जो है कि जी आता है तो गीगा ओम्स रहता है। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा तो मेगा ओम्स में ही काम हो जाता है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस का काम आता नहीं है अपने, तो उसके आगे बात करके कोई मतलब नहीं है। जैसे 1000 ओम है, ये देखिए ओम है, 1000 ओम होने पे ये मतलब 1K ओम्स हो जाएगा, ठीक है। 1000 ओम्स तक, 1000 ओम होने पे 1K ओम हो जाएगा, और ये 1000 किलो ओम होने पे 1 मेगा ओम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 1000 मेगा ओम होने पे ये 1 गीगा ओम्स हो जाएगा। इस तरीके से इसका रहता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और जैसे कि अगर हम जैसे निकालते हैं, अब जैसे ये है, जैसे कि ये 1002 का रजिस्टर है, तो ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना, 2, मतलब ये 100 ये हो गया और ये 2 हो गया। लास्ट वाला डिजिट जो है हमें रखना है, जैसे मतलब 100 × 10 का स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 कर देते हैं, 4 रहता तो 4 कर देते हैं, यहाँ पे भी हम 2 करेंगे। तो 100 × 10 का स्क्वायर मतलब 100, 100 × 100 मतलब 10,000, 10,000 हो गया। 10,000 मतलब इसको हम इधर करते हैं, 10,000 हो गया, 10,000 ओम हो गया। तो इसको अगर हमें निकालना है कि कितना है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। 10,000 ओम को अगर हमें निकालना है तो इसको हम 1000 किलो से, अगर हमें किलो में चाहिए तो इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करने पे 1, 2, 3 ये 10K ओम का, 10K ओम का अपना ये रहेगा रेजिस्टेंस। तो इसको हम चेक करते हैं कि 10K ओम का रहेगा, या फिर कोई ऐप में भी जाके देखते हैं कि इसका किस तरीके से रहेगा। इसी तरीके से अपना ये एक रजिस्टर था ना अभी, ये 1502 नेटवर्क रजिस्टर, इसको भी चेक करते हैं। जैसे कि 1502 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हमें निकालना है इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो ऐसी 2 और ये 3 मतलब 150 × 10 का स्क्वायर मतलब 150 × 100 मतलब 15,000। 15,000 को 15,000 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये मतलब 15K ओम का रजिस्टर है। इसको भी चेक करते हैं। इस तरीके से ओम्स रहता है, और यही ओम्स का तरीका है। इसी तरीके से हम चेक करते हैं ओम्स को, ठीक है।
और इसका सिंबल तो आप लोगों को बताया मैं कि इस तरीके से सिंबल रहता है, ये और ये इस तरीके का भी सिंबल रहता है। एक बार हम लोग चेक करते हैं नेट पे, कहीं ये इस टाइप के भी रजिस्टर आते हैं, ये अपना इलेक्ट्रिकल सामान में इसमें यूज़ होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक में तो कम यूज़ होता है इस तरीके का। SMD रजिस्टर ही आते हैं जो PCB डिज़ाइन होती है, लॉजिक बोर्ड इस तरीके के देखिए रहते हैं। तो ये इसमें कलर कोड होता है, 3-4 कलर के कोड होते हैं, उसके हिसाब से ये निकाला जाता है। तो ये हमारे को तो अभी ज़रूरत इसकी पड़ती नहीं है, इसमें गोल्डन, सिल्वर, फिर नो कलर भी आता है। तो इसके सिंबल हैं, आप लोग देख सकते हैं अलग अलग टाइप के। तो मीटर से तो ये भी चेक हो जाएगा, ये भी लगा रहता है। तो हम अलग अलग टाइप के रजिस्टर लगे रहते हैं, इसमें कलर रहते हैं, हाँ चेक कर सकते हैं आप लोग। तो ठीक है, तो हम लोग मल्टीमीटर में देखते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर है, इसको मल्टीमीटर में कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार जो है अपना इसमें SMD करके एक ऐप आता है, ये प्ले स्टोर पर रजिस्टर SMD करके एक ऐप आता है, ये मोबाइल के अंदर देखिए डाउनलोड है। इसको भी खोल के एक बार हम लोग चेक करते हैं कि ये है इसका कैलकुलेटर, इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें नंबर भी दिए हैं और इसमें अल्फ़ाबेट भी दिया है। तो जिस तरीके से किसी किसी में नंबर भी रहता है, उसके बाद फिर बीच में अल्फ़ाबेट रहता है, उसके बाद फिर नंबर डालना रहता है, तो इस तरीके से सब दिया हुआ है। तो अभी हम लोग जो चेक कर रहे थे वो कौन सा था, 1502 15 किलो ओम्स का है। उससे पहले हम लोग कौन सा चेक किया था, 1002, ये देखिए 10 किलो ओम्स का है। तो इस तरीके से है, इसको अगर हमें चेक करना है, मान लीजिए कि हमारे मदरबोर्ड पे, तो ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर के बारे में भी बता देते हैं कि मल्टीमीटर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे जाके क्या चेक करना है। तो ये देखिए मल्टीमीटर पे हम लोग मल्टीमीटर से चेक करते हैं। मल्टीमीटर के अंदर देखिए ये ओम्स का एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 200 ओम से स्टार्ट होता है, 2000 मेगा ओम तक जाता है। तो हमें चेक करने के लिए देखिए 200 तक का जो भी रजिस्टर रहेगा, 200 तक का हम चेक करते हैं रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी रेजिस्टेंस वैल्यू है 200 तक चेक करेंगे। अगर 2000 तक के अंदर का है, जैसे 1800 1700 1900 के अंदर का है, तो हम 2000 में चेक करेंगे। 2000 से ऊपर अगर 20K 15K 18K मतलब 20000 ओम्स तक का इसमें चेक करेंगे, और नहीं तो फिर 200 किलो ओम्स तक का इसके अंदर चेक करेंगे, और नहीं तो फिर 20 मेगा ओम तक यहाँ चेक करेंगे। 20 मेगा ओम से भी ज़्यादा है तो फिर हम 2000 मेगा ओम पे चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि अपने को मालूम रहता नहीं है, वैल्यू निकालते नहीं है, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ओम्स के अंदर कि 200 ओम्स में कैसे चेक करूं, कि 2000 ओम में क्या करूं। आप उसको समझिए कि कितने उसकी वैल्यू है, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, जो हम चेक कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है रजिस्टर की। जब मालूम ही नहीं रहेगा, अभी 200 वाला है, हम 200 किलो ओम पे चेक करेंगे तो कुछ समझ कुछ आएगा ही नहीं, वैल्यू देगा ही नहीं। इसीलिए 200 ओम क्या होता है, यही बताने के लिए आप लोग को मेन वीडियो बनाया गया है कि ओम्स क्या है, किलो ओम्स क्या है, मेगा ओम्स क्या है, मेगा ओम के बाद गीगा ओम्स क्या है। गीगा 1000 किलो ओम्स को गीगा ओम कहते हैं, 1000 ओम को 1 किलो ओम्स कहते हैं, और 1000 किलो ओम्स को 1 मेगा ओम्स कहते हैं। इस तरीके से ओम्स को समझना है। ये 200 2000 मतलब ये 2000 ओम्स है या फिर 2K है, 2 किलो ओम है या 2 किलो ओम हो गया या 2000 ओम्स हो गया। इसी तरीके से 20000 किलो ओम्स हो गया या तो 20000 ओम हो गया या फिर 20 किलो ओम हो गया, 20 किलो ओम हो गया या फिर 20000 ओम हो गया, इस तरीके से इसका डिफिनेशन है। तो आप मल्टीमीटर के अंदर आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो अपने को जो चेक करना है वो चेक करना है 15 ओम्स तक का। तो 15 का चेक करना है तो 15 को हम 20 के अंदर ही कर लेंगे, 20K के अंदर चेक करके। इसके अंदर कोई प्लस माइनस ऐसा नहीं रहता है, दोनों साइड से इसको चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के। तो ये देखिए ये अपना ये 1002 का देखिए एक रेजिस्टेंस है, इसको हम चेक करते हैं इसकी क्या वैल्यू आ रही है। तो इसकी वैल्यू जो है 9.30 के समथिंग आ रही है। तो ये मतलब थोड़ा कम ज़्यादा रहता है, कभी कभी इसमें होता है कम ज़्यादा, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आ रही है, 1002 का है,
इसी तरीके जितना अच्छे से अच्छा मल्टीमीटर यूज़ करेंगे टेस्टर के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से इसी तरीके से हम जो नेटवर्क वाला है ये भी चेक करेंगे, नेटवर्क रजिस्टर कैसे चेक करें। ये भी 15K के करीब का था, ये देखिए इसमें 15 दे रहा है, ठीक है 15 दे रहा है, लोगों को दिखेगा। इसके बाद इसके आगे वाला भी देखते हैं हम लोग, 15 के समथिंग। इसके आगे वाला 15, ये भी 15, ये 15 दे रहा है। तो ये नेटवर्क रेजिस्टेंस है, इस तरीके से इसको भी चेक करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। और इसी तरीके से ये ईपीएस है हमारा, ये ईपीएस के अंदर बहुत तरीके के रहते हैं, उसको भी चेक कर सकते हैं हम। जैसे कि 1002, ये देखिए 0.998, मतलब 1 ओम का 1 किलो ओम का है ये, ठीक है। इस तरीके से हम रजिस्टर को चेक करते हैं। रजिस्टर का काम यही है कि जो इसके अंदर के करंट फ्लो होते हैं ना उसको एब्जॉर्ब करता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ट्रेवल करते हैं इलेक्ट्रॉन। फिर 60 ओम से कम के भी जो रेजिस्टेंस रहते हैं ना वो बीप करेगा, वो फिर बीप करेगा तो उसमें, या फिर 00 लिखा रहेगा। बहुत सारे रहते हैं उसमें, आप देखेंगे 00 लिखा रहता है, ऐसा रहेगा 00 लिखा रहेगा, उसमें 00 जो लिखा है ना उसमें वो फिर बीप करेगा। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना होता है, देखिए ये 00 लिखा हुआ है, अब इसको कंटिन्यूटी मोड पे चेक करेंगे, ठीक है, तो ये बीप करेगा, ये बीप कर रहा है। तो ये इसको फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होता है, ये एक सिरे से दूसरे सिरे सप्लाई देता है इसको। अगर ये नहीं भी रहेगा तो हम इसको जंपर मार सकते हैं, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के रेजिस्टेंस आते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से ये देखिए CPU के अंदर इधर भी एक, ये भी फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है। बहुत ज़्यादा ये EPS के अंदर ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है ये, इसकी वजह से पूरा कम्युनिकेट नहीं करता है, उसका सिग्नल नहीं बन पाता। तो दोस्तों आज हमने जो रजिस्टर के बारे में आपको बताया, दो टाइप के रजिस्टर हम लोग चेक किया, SMD वाला और नेटवर्क रजिस्टर। तो आप लोगों को कैसा लगा आप हमारे को कमेंट में बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर लाइक करना है तो लाइक करिए, लगता है आपको लाइक करना चाहिए क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगता है हमारा चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए, और कुछ अगर नहीं समझ में आता, कोई क्यूरी है तो कमेंट भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।